हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल? हाँ भाई, सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. जी गरिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. निशा, गरिमा, जी सिमरन, यह सिमरन आपको, चलो ठीक है. हाँ जी अंजलि, मोनिका भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. भाई 1 मिनट का इंतज़ार और कर लेते हैं और उसी के साथ हम क्लास को आगे लेके चलेंगे. भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो. जो लोग पहली बार मेरी क्लास को ले रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से बोलूँगा कि अनअकैडमी पर आप लोग डिटेल कोर्स के लिए मेरे साथ लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ आप लोग फैज़ान 92 कोड यूज़ कर अपने जुडिशरी के सिलेबस को सिर्फ 1 साल में कर सकते हैं, 12 महीने में, और वो भी सारे स्टेट के लिए इंक्लूडिंग नोट्स के साथ. तो भाई सभी लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिएगा फैजान 92 कोड के साथ. और साथ ही आप लोगों के साथ एक रीसेंट इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है UGST का टेस्ट, जहाँ आप लोगों को 13 नवंबर को ये जो टेस्ट देना है वो सुबह 11 बजे देना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जहां आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी. और साथ ही आप लोगों को यहाँ प्राइस है, जो कि टैबलेट, 5G स्मार्टफोन, ईयरबड्स और होम स्पीकर और गिफ्ट वाउचर्स भी हैं. साथ ही ये जो प्राइस अवेलेबल है वो रैंक 1 वाले को टैबलेट मिलेगा, रैंक 2 वाले को 5G स्मार्टफोन मिलेगा, और ईयरबड्स 3 to 7 रैंक वालों को मिलेगी, और 18 to 100 रैंक वालों को यहाँ गिफ्ट वाउचर मिलेगा. तो ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप के साथ ये सारी चीजें मिलने वाली हैं. ये टेस्ट आप लोगों का 13 नवंबर का होगा सुबह 11 बजे. जी शिवानी, शाइना, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं. भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थंबनेल पर बिल्कुल मत जाइएगा, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 1963 के एक्ट को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. यहाँ हमारा प्रॉस्पेक्ट क्या होगा? यहाँ हमारा प्रॉस्पेक्ट होगा लर्न एंड टेस्ट का. भाई आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ किस किस प्रॉस्पेक्ट से मैं आप लोगों को ये क्लासेस कराने वाला हूँ. लर्न एंड टेस्ट के क्राइटेरिया पे मैं आप लोगों को ये SRA सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाला हूँ. सर लर्न एंड टेस्ट का क्या मतलब है? मतलब हम आपके साथ यहाँ डिस्कशन करेंगे SRA पर, जहां मैं आप लोगों से SRA से रिलेटेड सेक्शंस डिस्कस करूंगा, और सेक्शंस डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा कि प्री में आप लोगों के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम यहाँ आगे की चीजें डिस्कस करते रहेंगे और सेक्शन करेंगे, और साथ ही उन्हें देख लेंगे कि उन सेक्शंस पर प्री के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आप लोग इस तरीके से अपनी प्री की तैयारी को आगे लेके जा सकते हो, और आप लोगों के लिए SRA यहाँ आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा. भाई तो आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देखो कुछ छोटे से क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ SRA में आगे बढ़ूं. पहली बात सर, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो दे रखा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है जब हमारे पास ऑलरेडी CPC है? तो पहला एक ये सवाल जान लीजिए SRA को पढ़ने से पहले. तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि आप CPC में अगर आपके साथ
कोई राइट का वॉयलेशन होता है, अगर आपके किसी राइट का वॉयलेशन होता है तो उस केस में आप कोर्ट में जाते हैं प्लेंट लेकर। ये सीपीसी आपसे कहता है अगर आपके कोई राइट का वॉयलेशन हो सकता है तो आप अपने प्लेंट लेकर कोर्ट में जाकर शिकायत कीजिए। यहां इस प्लेंट में आप रिलीफ क्लेम करते हैं, रिलीफ क्लेम करते हैं। जब आप यहां कोर्ट में जा रहे हैं प्लेंट लेकर, तो उस केस में सीपीसी के थ्रू अगर प्लेंट जा रहा है तो उस केस में जो रिलीफ है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि जो आपने डिमांड की है वो भी हो सकती है, या फिर वहां कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट आपको कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कर सकता है। सर तो फिर एसआरए में क्या होता है? तो ये कहते हैं अगर एसआरए के थ्रू आप कोर्ट जाते हो तो आपको कोर्ट जो आप अपने प्लेंट में रिलीफ मांग रहे हो वो रिलीफ ही एज इट इज दी जाएगी। इसलिए यहां सीपीसी की जगह लोग एसआरए का सहारा लेते हैं। तो ये पॉइंट है जो कि सबसे पहले आप लोगों को एसआरए को पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए। अब उसके बाद सर एसआरए में मैं क्या-क्या पॉइंट पढ़ने वाला हूं, मैं आप लोगों को सेक्शन तो पढ़वाऊंगा ही, बट कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि भाई सी एसआरए में नेचर और इसेंस क्या है एसआरए का, एसआरए का नेचर और इसेंस क्या है। उसके बाद सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब क्लेम की जा सकती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब क्लेम की जा सकती है। साथ ही पजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली कैसे क्लेम किया जा सकता है, पजेशन मूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे क्लेम किया जा सकता है। इसके बाद यहां सर ये रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन रेसेशन और कैंसिलेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद डिक्लेरेटरी डिक्री और फाइनली इंजंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पॉइंट में यहां एसआरए की क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड आगे के पॉइंट, सर हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, तो बेसिक बेसिक से पॉइंट बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात, टोटल सेक्शन एसआरए में कितने दे रखे, टोटल सेक्शन एसआरए में है वन से लेके सेक्शन 142 तक, सॉरी सेक्शन वन से लेके 42 तक यहां आप लोगों को एसआरए में सेक्शंस मिलते हैं। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है सर, एसआरए के अंदर ये एसआरए प्रोसीजरल लॉ है, एसआरए प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है, एसआरए प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। एक और सवाल, क्या सर एसआरए, क्या एसआरए प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि ये फॉरवर्डली अप्लाई होगा या फिर बैक डेटेडली अप्लाई होगा। अगर आप लोग नहीं जानते तो बता देता हूं, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब आप कोड को या फिर एक्ट को बैक डेटेडली अप्लाई करते हैं तो लॉ में वर्ड यूज किया जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में आते हैं। भाई यहाँ एसआरए का जो प्रियम्बल है वो आपको बताता है कि एसआरए यहाँ किस तरीके के लॉ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ हम एसआरए को पढ़ते हैं तो एसआरए के प्रियम्बल से क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं। देखो पहली बात, एसआरए में डिफाइन और अमेंड वर्ड दे रखा है जो कि आपको कुछ काइंड की रिलीफ प्रोवाइड करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ। तो जैसे ही यहां सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ का वर्ड मिलता है तो यानी कि एसआरए एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि एसआरए एक क्या है, यहां एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। उसके बाद एसआरए पर पॉइंट आता जी, भाई मीत बात करेंगे इसके बारे में अभी। हाँ जी, एसआरए में इसके अलावा आप लोगों से पॉइंट पूछा जाता है कि भाई एसआरए यहां
प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है। तो याद रखिएगा, एसआरए डिफाइन और अमेंड के वर्ड से यहां कि ये एसआरए प्रोसीजरल लॉ है, एसआरए एक प्रोसीजरल लॉ है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब उसके बाद एसआरए में आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले सेक्शन में आप लोगों को दे रखा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिशमेंट। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिशमेंट, भाई शॉर्ट टाइटल का क्या मतलब है, मतलब एसआरए को हम क्या नाम दे रहे हैं, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाम दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी बेयर एक्ट के ऊपर जो बेयर एक्ट का नाम दिया जाता है उसी को हम शॉर्ट टाइटल कहते हैं, उसी को हम शॉर्ट टाइटल कहते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड आगे का पॉइंट, सर ये किस पे अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पर, ये अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पर। अब ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला पॉइंट खत्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद से अब ये वाला पॉइंट खत्म हो चुका है एसआरए का। ठीक है भाई, हम लोग यहां इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद अब यहां एसआरए पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है कमेंसमेंट, यानी कि ये कब से अप्लाई हुआ था, एसआरए का लॉ जो है कब से अप्लाई हुआ था। तो इस पॉइंट पर यहां आप लोगों को कोई डेट नजर नहीं आती, अगर आप सेक्शन वन को पढ़ोगे तो यहां आपको कोई भी डेट नजर नहीं आएगी कि यहां कब से अप्लाई हुआ था, मगर आप इसके नीचे लिख लीजिएगा कि ये 1 मार्च 1964 से अप्लाई हुआ था, 1 मार्च 1964 से एसआरए एनफोर्समेंट में आया था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि एसआरए से रिलेटेड है। अभी हम आगे चल के इस पे ये भी जानेंगे, ये अभी लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आज की क्लास बेस होगी लर्न एंड टेस्ट के बेसिस पर, तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि एसआरए में कहां क्या लिखा हुआ है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं भाई, सेक्शन 2 में आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस यहां मेंशन कर रखी हैं, भाई कौन कौन सी डेफिनेशन है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप सेक्शन 2 की ए वाली डेफिनेशन देखेंगे, अगर ए वाली डेफिनेशन मिलेंगे तो उस केस में यहां लिखा है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किस टाइप का ऑब्लिगेशन है, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसमें याद रखिएगा यहां लीगल ऑब्लिगेशन को वैल्यू दी जा रही है, मोरल ऑब्लिगेशन को नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन को यहां वैल्यू दी जा रही है एंड नॉट मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां सेटलमेंट के बारे में बात कही जा रही है कि सेटलमेंट का क्या मतलब है, सेटलमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट से है जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में लिखा गया है, यानी कि विल के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके अलावा लिखा है डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट मूवेबल और इमूवेबल। इस पॉइंट पर आपसे यहां पूछ लिया जाता है सेटलमेंट का मतलब यहां कौन सा एक्ट है, तो पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है प्लस कोई और टाइप का डिवोल्यूशन जिससे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो इस और वर्ड को भी हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट भी आप लोगों से बहुत पूछा जाता है। उसके बाद यहां ट्रस्ट का क्या मतलब है, तो इस केस में कहते हैं सेक्शन 3 में आप लोगों को बताया गया है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट की क्या डेफिनेशन होती है, और साथ में यहां आपसे इंक्लूडिंग डेफिनेशन दे रखी है जो चैप्टर 9 से रिलेटेड बात करती है। अगर फिर से कह देता हूं, आपने ये पॉइंट अगर हाईलाइट कर लिए हैं तो आपका एसआरए का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टी का क्या मतलब है, ट्रस्टी का मतलब है जो पर्सन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जो पर्सन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड करता है वो ट्रस्टी है। उसके बाद ई वाली एक डेफिनेशन दे रखी है, यहां आपसे पूछा जाता है
अगर कोई वर्ड एसआरए में डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग कहां से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे। सर इसे लिखना है मुझे तो कैसे लिखेंगे? एसआरए वर्ड नॉट मेंशन, ऐसे लिख लेना इस डेफिनेशन को, वर्ड नॉट मेंशन गो टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस पॉइंट को ऐसे अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये पॉइंट भी याद रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट भी आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि यहां इस केस में क्या होगा। तो बताइए क्या ये डेफिनेशन याद है? जी, अब उसके बाद कुछ चीजें और होती है भाई। ऐसा होता है ये डेफिनेशन ना आपसे पूछ ली जाती है कि कौन सी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है, तो आप लोगों को ना याद नहीं आता कि कौन सी डेफिनेशन एक्चुअल में किस पॉइंट में दे रखी है, ये याद नहीं आता। तो क्या सर इसे हम याद कर सकते हैं? भाई कैसे याद करें? तो इसके लिए भी आप ट्रिक बना सकते हो बहुत सारी। कैसे ट्रिक बन सकती है भाई? जैसे आप लोगों को यहां ये याद है, ठीक है, इसे ऐसे लिख लीजिएगा, इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, डी टी सी। मतलब क्या है भाई? डी वाले कॉलम में, डी वाले कॉलम में ट्रस्टी की डेफिनेशन दे रखी है, डी वाले कॉलम में ट्रस्टी की डेफिनेशन दे रखी है, और फिर उसके बाद यहां कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख रखा है, यानी कि सी। अब याद आ जाएगा कि ई वाले में कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा और डी वाले में ट्रस्टी लिखा होगा। अब इसके बाद इससे ऊपर वाला पॉइंट भाई, एक याद रखिएगा कि यहां दे रखा है कि सी में ट्रस्ट दे रखा है, यानी कि आपको किसी सी पर्सन पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये अल्फाबेटिकली सी है, हिंदी वाला सी नहीं है। तो यहां किसी मिस्टर सी पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। और याद रखना है कि सर नहीं सर मैं तो सारे पॉइंट याद रखना चाहता हूं। जी बिल्कुल याद रख सकते हो, इसे याद रख सकते हो आप OBS के नाम से, OBS भाई। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ ये जो YouTube पर क्लास ले रहा होता हूँ ना, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है OBS, तो याद रख सकते हो भाई। ऑब्लिगेशन पहले में हो गया, बी वाले क्लॉज में सेटलमेंट दे रखा है, बी वाले क्लॉज में सेटलमेंट दे रखा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जी मीत बिल्कुल, आप लोग पहले देखिए तो कि आप लोगों को यह सारी चीजें समझ आ रही हैं क्या। प्री का प्रॉस्पेक्ट आप लोग कवर करते हुए आपको लग रहा है कि हाँ जी प्री का प्रॉस्पेक्ट है, कवर कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, कैसे याद रखें, यही तो पॉइंट है भाई। बताओ एग्री करते हो या नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, लर्न एंड टेस्ट की क्लास है ये, अभी बस सिखा रहा हूं और तुरंत करवा के देखेंगे क्या सही हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड आगे की बात कर लेते हैं। अब आप लोगों से यहां पॉइंट पूछा जा रहा है सेक्शन 3। भाई सेक्शन 3 एक सेविंग क्लॉज है, सेक्शन 3 एक सेविंग क्लॉज है। ये सेविंग क्लॉज आपसे क्या कहता है इसके बारे में भी सुन लीजिए। यहां आपसे कहते हैं एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम्ड टू अफेक्ट टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच मे अंडर हैव कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या कह दिया, समझ नहीं आया? बिल्कुल आसान भाषा में समझो, ये कहते हैं एसआरए, एसआरए नॉट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट राइट ऑफ पर्सन, राइट ऑफ पर्सन
अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि एसआरए किसी पर्सन के वो राइट को नहीं छीनता जो कि उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं। एसआरए ऐसे किसी राइट को नहीं छीनता, ये बात सेक्शन 3 में कह रखी है, सेविंग क्लॉज। ठीक है, एसआरए नॉट अफेक्ट राइट ऑफ पर्सन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे किसी राइट को नहीं छीनता। फिर उसके बाद यहां सेक्शन 3 का क्लॉज भी, सर यहां इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बात करी गई है, यानी कि यहां एसआरए एसआरए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी अफेक्ट नहीं करता, नॉट अफेक्ट रजिस्ट्रेशन, नॉट अफेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो सेक्शन थ्री एसआरए का सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है, सेविंग क्लॉज, और ये किसे सेव कर रहा है? यहां सेविंग क्लॉज से मतलब होता है प्रोटेक्शन से, यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है किसकी एप्लीकेबिलिटी को, किसी की एप्लीकेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एप्लीकेबिलिटी को, जो राइट मेंशन है किसी पर्सन के पास, राइट मेंशन है, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को, और आपका सेक्शन 3 कवर। बोलिए क्या सेक्शन 3 एसआरए कवर हो गया? अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेक्शन 1, 2, 3 याद हो गए हैं। एक बार दोबारा से अपने पेयर एक्ट को देख लीजिए और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट करने चाहता हूं। ठीक है, चलिए पहले, उससे पहले एक बार सेक्शन 4 भी कवर कर लेते हैं, सेक्शन 4 भी कवर कर लेते हैं। हाँ जी, सेक्शन 4 आप लोगों से क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर एनफोर्सिंग पीनल राइट। सर ये क्या कह रहा है? तो इस केस में एक कॉलम बना लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा सिविल राइट और इसमें लिख लीजिएगा पीनल राइट, पीनल राइट, इसमें लिखिएगा एसआरए एप्लीकेबल, एसआरए एप्लीकेबल, इसमें लिख लीजिएगा पीनल राइट में एसआरए नॉट एप्लीकेबल। खत्म हो गया। क्या कहते हैं? एसआरए में सिर्फ सिविल राइट क्लेम कर पाओगे, पीनल राइट नहीं क्लेम कर पाओगे। और सिविल राइट भी कौन से वाले? इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल के सिविल राइट ही यहां क्लेम कर पाओगे, यहां पीनल राइट नहीं क्लेम कर पाओगे। बात खत्म, सेक्शन 4 खत्म। देख लो, पढ़ लो, खत्म, बस फिगर्स के थ्रू। चलिए अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। आप मुझे बताओ इस पॉइंट पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने मेंशन कर दिया, यहां कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको क्या प्रोवाइड करता है? कंसोलिडेट एंड अमेंड, डिफाइंड एंड अमेंड, लिखा है कंसोलिडेट एंड अमेंड सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, डिफाइंड एंड अमेंड सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइंड एंड अमेंड सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट इस केस में सही है। लर्न, अब आ गया टेस्ट, लर्न अब आ गया टेस्ट। बताओ भाई, सबको आंसर देना है।
जी बिल्कुल सही बताया, सी वाला इसका सही आंसर होगा, सी वाला इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रीएम्बल में डिफाइन एंड अमेंड और सर्टेन काइंड ऑफ रिलीफ। यहां मैंने इस पॉइंट पे आप लोगों को लिखवा दिया नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, और यहां मैंने आपको लिखवा दिया ये प्रोसीजरल लॉ को इंडिकेट कर रहा है। बोलिए हो गया कवर, लर्न एंड टेस्ट। चलिए अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं भाई, एसआरए कब एनफोर्समेंट में आया था, कौन सी डेट में एसआरए एनफोर्समेंट में आया था ये आपको बताना है। आपके सामने डेट दे रखी है, बताइए कौन सी डेट में एसआरए एनफोर्समेंट में आया था। जी बिल्कुल सही, सुनैना, निहारिका, अंजलि, परमिंदर, कविता, बिल्कुल सही बताया, 1 मार्च 1964 को ये एनफोर्समेंट में आया था। बिल्कुल सही, सी वाला ऑप्शन सही है, 1 मार्च 1964। बताओ प्री का एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां आप लोगों से पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन नथिंग शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन अदर देन परफॉर्मेंस विच मी हैव अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट और अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली ए एंड बी। आपको बताना है इस केस में क्या सही ऑप्शन होगा। बताओ भाई इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा। एक क्लास का मेथड समझ आ रहा है, लर्न एंड टेस्ट। भाई इसमें पहले वाले ऑप्शन में आपसे कह दिया क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी पर्सन को उसका राइट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मेंशन है उसे अफेक्ट नहीं करता। दूसरे में कह दिया कि अफेक्ट करता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को, और उसके बाद ये कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑपरेशन को अफेक्ट करता है। आपको बताना है इसमें से क्या सही ऑप्शन है। जी अब एक बार इसका आंसर देख लेते हुए, इसका आंसर है डी वाला, क्योंकि सेक्शन 3 में सेविंग क्लॉज में क्या रखा है, टू डिप्राइव एनी पर्सन और टू अफेक्ट दी ऑपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। बताइए क्या आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। चलिए अब उसके बाद इससे रिलेटेड आगे के पॉइंट ये कहते हैं इस केस में सिविल राइट टू बी ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग। भाई सिविल राइट को आप कैसे एनफोर्स कर सकते हो, एसआरए में जो इंडिविजुअल सिविल राइट है उसे एनफोर्स किया जा सकता है, पीनल राइट है उसे एनफोर्स किया जा सकता है, दोनों को एनफोर्स किया जा सकता है या इसमें से कोई नहीं। इस केस में आपको बताना है, बताइए भाई कौन से सेक्शन से रिलेटेड है ये, बताइए कौन से सेक्शन से। जी बिल्कुल सही बताया भाई, सेक्शन 4 से रिलेटेड है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर दे रखा है ए वाला। रीजन क्या है, सेक्शन 4 कैन ओनली बी फॉर द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर मियर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। बोलिए क्या सेक्शन 4 तक एसआरए के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस तो आप लोगों से पूछे जाते हैं।
तरीका समझ आ रहा है? हाँ और ना, अगर हाँ है तो जल्दी से एक थम्स अप दिखाइए मुझे मैसेज बॉक्स में, एक थम्स अप मैसेज बॉक्स में। तरीका अगर समझ आ रहा है आप लोगों को, लर्न एंड टेस्ट का तरीका। ए जल्दी से सभी लोग। जी निहारिका जी, थैंक यू। और कोई? बस इतने ही लोगों को समझ आ रहा है, बाकी किसी की समझ नहीं आ रहा। बोले सर हमें तो समझ ही नहीं आता कि आप करते क्या हो क्लास में। चलिए तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं अब एसआरए से रिलेटेड आगे के पॉइंट पे। थैंक यू मोनिका, कविता, शिवानी, शाइना जी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। देखो कितने होनहार बच्चे हैं यार, मतलब इतना सच्चा कोई कैसे हो सकता है। दिशा कह रही है सर थम्स अप नहीं मिलता। इतने होनहार बच्चे। भाई दिशा, थम्स अप तो एक ऐसी चीज है, सलमान को कैटरीना नहीं मिली मगर थम्स अप जरूर मिली, तो तुम्हें थम्स अप तो मिल ही जाना चाहिए, इतनी आसान चीज है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 में रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है? ये कहते हैं सेक्शन 5 और 6। यहां याद रखिएगा दो सेक्शन है, सेक्शन 5 और 6। ये किससे डील करते हैं? ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करने वाले जो सेक्शन हैं वो ये दो सेक्शन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से डील करने वाले दो सेक्शन हैं 7 और 8। पहला तो ये सवाल आप लोगों के मन में प्री से रिलेटेड होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब उसके बाद सेक्शन 5 आप लोगों से क्या कहता है? तो सेक्शन 5 आपसे कहता है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर क्लेम करना चाहता है तो वो कैसे क्लेम कर सकता है। तो इस केस में वो क्लेम कर सकता है सीपीसी के थ्रू। ठीक है, कोई पर्सन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता है तो वो कैसे क्लेम कर सकता है, तो सीपीसी के थ्रू वो पर्सन यहां इसे क्लेम कर सकता है। इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो आप लोगों से यहां अक्सर पूछ ली जाती है। पहली बात, यहां जो सेक्शन 5 है इसे आप रीड कर सकते हो, सेक्शन 5 को आप रीड कर सकते हो ऑर्डर 21 रूल 35 और 36 ऑफ सीपीसी के साथ, 35 और 36 ऑफ सीपीसी के साथ। कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत ही नहीं, ये पॉइंट जान लिया प्री का हर सवाल आप लोगों के साथ सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 35 और 36 के साथ। मोर ओवर इस केस में अगर आप अपना क्लेम लेकर जा सकते हो, जब आप सेक्शन 5 एसआरए के अंदर अपना क्लेम लेके जाते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप टाइटल भी क्लेम कर सकते हो और अपना पजेजरी राइट भी क्लेम कर सकते हो। पजेशन और टाइटल दोनों क्लेम किया जा सकता है सेक्शन 5 के अंदर, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दो पॉइंट हैं, अगर आपको ये दो पॉइंट इस केस में पता है तो आसानी से ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। भाई आप टाइटल भी क्लेम कर सकते हो और पजेशन भी क्लेम कर सकते हो सेक्शन 5 के अंदर। अब इसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 आप लोगों से क्या कहता है एक बार ये देख लीजिए। भाई सेक्शन 6 आप लोगों से कहता है सूट बाय पर्सन
डिस्पजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या कहता है, सूट बाय पर्सन डिस्पजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा ये एक्चुअल में इनडायरेक्टली आप लोगों से रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कह रहा है, इनडायरेक्टली रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कह रहा है, मगर मार्जिनल नोट में क्या वर्ड मेंशन है, ये है डिस्पजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कभी कभी आप लोगों से प्री में ये वाली हरकत भी एग्जामिनर कर जाता है, आपको सेक्शन 6 कह देगा, सेक्शन 6 किसके ऊपर बेस्ड है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और सूट बाई डिस्पजेस्ड पर्सन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपके दिमाग में ना तुरंत यहां सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करता है, मगर आप लोग भूल जाते हो इस केस में इसका सही आंसर अगर सेक्शन 6 का मार्जिनल नोट दे रखा है तो सूट बाय पर्सन डिस्पजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। चीजें वही हैं मगर मार्जिनल नोट किस नाम से कह रखा है ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट पर इसे मार्क कर लीजिएगा। यहां किसके बारे में बात कही गई है, डिस्पजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि इनडायरेक्टली रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के में बारे में बात कर रहा है, तो इसे ऐसे मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि प्री में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये चीज मुश्किल कर देती है। अब उसके बाद इससे रिलेटेड आगे की बात कर लेते हैं, यहां आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर इसे डिस्पजेस किया गया है, इसे डिस्पजेस किया गया है, ये डिस्पजेशन इसके विदाउट कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है और विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इस केस में ये पर्सन क्या करना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है, सूट फाइल करना चाहता है। तो जब ये सूट फाइल करना चाहता है कोर्ट के अंदर, तो उस केस में अगर ये कोर्ट में जाकर सूट फाइल करना चाहता है तो ये विद इन 6 मंथ सूट फाइल कर दे, विद इन 6 मंथ डिस्पोजेशन के सूट फाइल कर दे। और ये सूट फाइल नहीं किया जाएगा अगर उसे डिस्पोजेस किया गया है बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी, बाई गवर्नमेंट अथॉरिटी, या फिर उसका डिस्पोजेशन हुआ है बाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उस कंडीशन में वो सूट फाइल नहीं कर पाएगा, वरना वो 6 मंथ के अंदर अंदर यहां सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, ये कहते हैं ये पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी के उस पर्टिकुलर टाइम पर पजेशन में होना जरूरी है, उस पर्टिकुलर टाइम पर पजेशन में होना जरूरी है तभी इसे डिस्पजेस्ड माना जाएगा, वरना इसे डिस्पजेस्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है, तभी इसे डिस्पजेस्ड माना जाएगा वरना इसे डिस्पजेस्ड नहीं माना जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, ये कहते हैं ये जो पर्सन है जो कि सूट फाइल करने गया है, ये पर्सन जो सूट फाइल करने गया है कोर्ट में विद इन 6 मंथ, मगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू रिमूव किया गया है तब नहीं जा सकते, उस केस में ये कहते हैं ये जो सेक्शन 6 है ये एक समरी प्रोसीजर होता है, ये जो सेक्शन 6 का सूट होता है ये समरी प्रोसीजर का सूट होता है, इसलिए इस केस में क्या होता है, इस केस में जो भी डिसीजन होगा या फिर ऐसे बोलो पहले जो क्लेम कंटेस्ट किया जाएगा, इस सेक्शन 6 के क्लेम में जो कंटेस्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम किया जा सकता है, पजेशन क्लेम किया जा सकता है,
सिर्फ और सिर्फ पजेशन क्लेम किया जा सकता है और टाइटल क्लेम नहीं किया जा सकता। सिर्फ पजेशन क्लेम किया जा सकता है और टाइटल क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक समरी प्रोसीजर है, इसलिए सिर्फ पजेशन और टाइटल क्लेम नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये एक समरी प्रोसीजर है, इसलिए इसके केस में कोई भी क्या नहीं जाती, कोई अपील नहीं जाती। इस केस में क्योंकि ये एक समरी प्रोसीजर है, इसलिए इससे रिलेटेड जो अपील जो है वो नहीं जाती और ना ही कोई रिव्यू जाता है। नो अपील, नो रिव्यू। और उसके बाद क्या जा सकता है? ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन। जैसे कि वो सनी देओल डायलॉग मारता है, कौन सी मूवी थी, जो बोले सोनिया, नो इफ नो बट ओनली जट। इसी तरीके से सेक्शन 6 कहता है नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन, ओनली रिवीजन। बोलिए, बात समझ आ रही है? क्या क्या पॉइंट है इस केस में, सेक्शन 6 के केस में? भाई अगर छोटे छोटे से पॉइंट एक बार काउंट कर लेते हैं, पॉइंट काउंट कर लेते हैं भाई, सेक्शन 6 के क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिस्पोजेशन होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, विदाउट कंसेंट होना चाहिए, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, और इस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर इस पर्सन का पजेशन होना जरूरी है, जिसे डिस्पोजेस किया गया उसका पजेशन होना जरूरी है। इस केस में सूट फाइल करना है तो 6 मंथ में फाइल कर दो, सूट फाइल इन 6 मंथ। और किसके अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता? नॉट फाइल अगर गवर्नमेंट है या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है तो उस केस में क्या नहीं कर सकते हम, यहां सूट फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर ये पर्सन सूट फाइल करने जा रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में सिर्फ और सिर्फ पजेशन क्लेम किया जा सकता है, कोई भी टाइटल नहीं क्लेम किया जा सकता। और इसके अलावा क्योंकि ये समरी प्रोसीजर है, इसलिए नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन, नो अपील, नो रिव्यू, ओनली रिवीजन। बोलिए, ये पॉइंट पता है, सेक्शन 6 कवर हो चुका है आप लोगों का। बताइए क्या सेक्शन 6 क्लियर है? भाई पॉइंट समझ आ रहे हैं कैसे हम कवर करने वाले हैं? चलिए अब उसके बाद सेक्शन 7 के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 7, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां सेक्शन 7 और सेक्शन 8 किससे रिलेटेड है? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहां इस केस में आपसे क्या कहते हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहता है तो सेक्शन 7 के थ्रू क्लेम कर सकता है। उसके बाद यहां इस केस में जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा ये दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ये क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन ट्रस्टी है तो इस केस में वो यहां क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। ट्रस्टी जो है वो इस केस में सूट फाइल कर सकता है। और उसके अलावा कहते हैं किसी पर्सन का स्पेशल और टेम्परेरी राइट है जो कि प्रेजेंट पोजेशन में है तो उस केस में भी यहां सूट फाइल किया जा सकता है। सर एक बार दोबारा से इस सेक्शन को बता दीजिए कि यहां ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां याद रखिएगा सेक्शन 7 आपसे कहता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं
मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं, वो भी स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं। यहां इस केस में क्लेम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए प्रेजेंट पोजेशन का, आपके पास राइट होना चाहिए प्रेजेंट पोजेशन का, ठीक है? प्रेजेंट पोजेशन का इस केस में राइट होना चाहिए, और ये प्रेजेंट पोजेशन का जो राइट है वो कैसा हो सकता है? तो ये राइट हो सकता है स्पेशल राइट, या फिर ये राइट आपका हो सकता है टेम्परेरी राइट, या तो स्पेशल राइट हो सकता है या फिर टेम्परेरी राइट हो सकता है। इस केस में जो एक्सप्लेनेशन वन है, याद रखिएगा, जो एक्सप्लेनेशन वन है वो आपको सिर्फ कैटेगरी बता रही है कि सर देखो, ट्रस्टी जो होता है उसका एक स्पेशल राइट होता है, ट्रस्टी जो है उसका एक स्पेशल राइट होता है। ये एक तरीके से सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन वन एक इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन है जो कि एक्सप्लेनेशन टू को जस्टिफाई कर रही है कि स्पेशल राइट होता है टेम्परेरी वाला, वो ट्रस्टी के पास होता है। इस केस में सर और भी लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन बेलर है, बेलर और बेली की कैटेगरी भी यही आ जाएगी। जो बेलर और बेलर की बेली की कैटेगरी जो होती है उसमें जो रिलेशनशिप होता है, तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी दी जा रही है बेलर से बेली के द्वारा, तो उस केस में यहाँ क्या होगा? यहाँ ये राइट आएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि प्रेजेंट पोजेशन में होता है स्पेशल और टेम्परेरी नेचर के। तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 7 भी याद हो गया होगा, ट्रस्टी से रिलेटेड है और यहां किससे रिलेटेड है? टेम्परेरी राइट से रिलेटेड है। बोलिए, सेक्शन 7 समझ आ गया है आप लोगों को? अब उसके बाद एक बार सेक्शन 8 की तरफ बढ़ते हैं। भाई सेक्शन 8 क्या कहता है आप लोगों से? सेक्शन 8 कहता है आप लोगों से लाइबिलिटी ऑफ पर्सन पजेशन नॉट एज ओनर, नॉट एज ओनर टू डिलीवर प्रॉपर्टी। इस केस में याद रखिएगा, इस केस में क्या कहते हैं? इस केस में जो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वो ओनर नहीं होता, डिपेंडेंट ओनर नहीं होता, इसके बारे में आपसे बात कही जा रही है। सेक्शन 8 के अंदर सबसे पहली चीज, डिपेंडेंट ओनर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। और उस पर्सन का, जो पर्सन क्लेम कर रहा है, उसका इमीडिएट पजेशन होना जरूरी है। भाई जो पर्सन यहां क्लेम कर रहा है उसका इमीडिएट पजेशन होना जरूरी है सेक्शन 8 एसआरए के अंदर। भाई मैं आप लोगों को यहां अनअकैडमी के जुडिशरी चैनल पे पढ़ा रहा हूं, फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूं, यूजीएसटी का टेस्ट होने वाला है 13 नवंबर सुबह 11 बजे, तो उस टेस्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 8 एसआरए की, जहां मैं आपसे कह रहा हूं किसी पर्सन के पास इमीडिएट पजेशन होना चाहिए और उस पर्सन वो डिपेंडेंट के अगेंस्ट राइट क्लेम कर रहा है जो कि ओनर नहीं होना चाहिए। इस केस में डिपेंडेंट कौन हो सकता है? तो एजेंट हो सकता है, या फिर ट्रस्टी हो सकता है, या फिर किसी प्रॉपर्टी इस नेचर की हो सकती है जहां मनी एक एडुक्वेट रिलीफ नहीं है। जब मनी एक एडुक्वेट रिलीफ नहीं है, या फिर डैमेजेस को असर्टेन नहीं किया जा सकता। जब डैमेजेस को असर्टेन नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी यहां सेक्शन 8 लग जाता है। या फिर प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ट्रांसफर की गई है, तो उस केस में भी यहां सेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो अगर मैं सम अप करूं तो यहां क्या क्या पॉइंट एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो इस केस में कहते हैं डिफेंडेंट ट्रस्टी और एजेंट है, ट्रस्टी और एजेंट है। यहां इस केस में कहते हैं मनी एडुक्वेट रिलीफ नहीं है, मनी नॉट एडुक्वेट रिलीफ। और उसके बाद कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, भाई जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ट्रांसफर
ट्रांसफर की गई है, उस केस में यहां क्या होगा, यहां आप सेक्शन 8 का पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। ये पॉइंट आप लोगों से बोला जा रहा है सेक्शन 8 के अंदर, एसआरए के अंदर। तो ये पॉइंट आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि सेक्शन 8 पर है, कि कब प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है, कब प्रॉपर्टी नहीं क्लेम की जा सकती। मगर इस बात को मत भूलिएगा कि सेक्शन 8 मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही बात करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब उसके बाद एक बार सेक्शन 9 की तरफ बढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है, डिफेंसेस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। भाई सेक्शन 9 में सर ये क्या कह दिया, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। बहुत ही आसान सी बात कह रहे हैं। यहां कहते हैं कि अगर कोई डिफेंस, कोई पर्सन यहां उसके ऊपर एसआरए का सूट फाइल किया गया, तो जब उस पर्सन के पास किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई डिफेंस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई डिफेंस अवेलेबल है, तो वो यहां इस पॉइंट पे प्लीड कर सकता है। यानी कि भाई एसआरए में आप क्लेम करने गए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कोई राइट को क्लेम करने गए, आपने कह दिया कि सर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, आप कैसे स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर रहे हो, तो इस केस में ये डिफेंस क्या सर एसआरए के अंदर चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 9 आप लोगों से कह रहा है डिफेंस रेस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड वेयर एनी रिलीफ क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर पर्सन अगेंस्ट होम रिलीफ प्लीडेड बाय वे ऑफ डिफेंस ऑन द ग्राउंड अवेलेबल टू रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या कह दिया समझ नहीं आया। अगर कोई पर्सन आप पे एसआरए का केस करता है, आपको जो ग्राउंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है कि सर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्टेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कंसेंट नहीं है, कंसेंसस एडिटम नहीं है, कंसीडरेशन वॉइड है, इनिशियो है, ऑब्जेक्ट इलीगल है, इमोरल है, सारे डिफेंसेस आप सेक्शन 9 के थ्रू एसआरए के सूट में क्लेम कर सकते हो, ये बात सेक्शन 9 आप लोगों से कह रहा है। बोलिए क्या बात समझ आ रही है कि हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? भाई जल्दी बोलो दोस्तों, अगर सेक्शन 9 समझ आ गया है तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, क्योंकि इतनी आसान भाषा में मैंने आप लोगों को सेक्शन 9 समझा दिया है। तो अगर मुस्कुराहट है तो उसे छुपाना क्यों, इसे बताइए भी तो। बोलिए भाई अगर मुस्कुराहट है तो छुपाना क्यों। जी बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी तक था लर्निंग प्रोसेस, अब एक बार इसे टेस्ट कर लिया जाए। लर्न एंड टेस्ट का प्रोसीजर है, लर्न एंड टेस्ट। तो इसे एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं, क्या सर हम सही डायरेक्शन में चीजों को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बोलिए भाई एक बार टेस्ट कर लिया जाए। हाँ भाई सिमरन, परमिंदर, शाइना, अंजलि, बताइए, निशा, मीत, आप हैं, निहारिका जी, कविता, मोनिका, भाई सभी लोग अपनी हाजिरी लगवा दो, सभी लोग हो या नहीं हो। अरे डी आंसर दे देना पहले, हाजिरी तो लगवा दो, हो या नहीं। अरे पता चले मैं अकेले अकेले पढ़ा के चला गया। बोले सर पढ़ाया तो बहुत अच्छा, मगर अकेली क्लास में क्या फायदा निकला। आप जानते हैं सर जॉन ऑस्टिन के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने, जॉन ऑस्टिन के बारे में। सर जॉन ऑस्टिन जो है वो एक प्रोफेसर भी हुआ करते थे, मगर उनकी एक खासियत थी, जब भी वो लेक्चर देते थे कभी स्टूडेंट की नहीं समझ आया,
ज्यूरिस्ट थे, बिल्कुल थे, बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। पॉजिटिव स्कूल का एक बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने कोट किया, मगर कभी स्टूडेंट उनके साथ नहीं था। तो मैं ज्यूरिस्ट हूं, बट मैं जॉन ऑस्टिन नहीं बनना चाहता, ठीक है? तो आप लोग अगर मेरे साथ हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे बताइए इस केस में भाई, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर इस केस में सही है? नो सूट अंडर सेक्शन 6 शैल बी बॉट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 month, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 month अगेंस्ट गवर्नमेंट बोथ सेकेंड एंड थर्ड। भाई क्या सही आंसर है? जी, सबसे पहला आंसर आया भाई सिमरन का, फिर दिशा का, शाइना, मीत, परमिंदर, मोनिका। भाई जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, टाइम अप होने वाला है। 30 सेकेंड का टाइम है, देख रहा हूं टाइम लगा दिया है मैंने आप लोगों के सामने। 30 सेकेंड होने वाले हैं, सिर्फ 5 सेकेंड ही बाकी रह गए हैं। जो लोग आंसर देना चाहते हैं जल्दी से आंसर दे दीजिए। और ये आप लोगों का टाइम अप। अब मैं आप लोगों को आंसर दिखाता हूं भाई, आंसर क्या है यहां इस केस में। भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी वाला, जहां सेक्शन 6 क्लॉज 2 में बोला गया है आप लोगों से कि सूट नहीं लेकर आ सकते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 month और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगेंस्ट गवर्नमेंट इस केस में सूट नहीं लेकर आ सकते। तो इसका सही आंसर हम लोगों का था डी, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही हैं, मगर ये वाला 3 month वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर और डिग्री पास्ड इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 6, क्या अपील प्रेफर हो सकती है? भाई कोई पर्सन नाराज है, गुस्सा है, उसके अगेंस्ट सेक्शन 6 का ऑर्डर आ चुका है, तो इस केस में उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? वो इस केस में आप अपील कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, दोनों कर सकता है, और या फिर वो रिवीजन जा सकता है हाईकोर्ट में। आप लोगों को बताना है कि इस केस में क्या सही ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल सही बताया, वो पर्सन रिवीजन के लिए जा सकता है हाईकोर्ट में। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, यहां इस केस में डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सेक्शन 6 क्लॉज 3 में ये बात आप लोगों की लिखी हुई नजर आती है। यहां कह रखा है नो बार ऑन रिमिडी ऑफ रिवीजन, सिर्फ अपील और रिव्यू नहीं जा सकते। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम इस पॉइंट पर। यहां आप लोगों से पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 है, जहां आपसे कहते हैं एक ट्रस्टी है, एक ट्रस्टी है जिसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, वो पर्सन किस सेक्शन के अंदर अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है? सेक्शन 6, सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन 1, सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन 2, या फिर नन ऑफ दी एबव। आपको बताना है इस केस में क्या सही ऑप्शन है। भाई जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, भाई 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से आंसर देना है, सही आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है। जी परविंदर, शाइना, मीत, दीशा। निहारिका, बिल्कुल सही आंसर दिया है, सेक्शन 7 एक्सप्लेनेशन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहां देख लीजिए लिखा है बी एक्सप्लेनेशन 1 में कि ये ट्रस्टी कर सकता है, याद होगा। एक्सप्लेनेशन 2 स्पेशल और टेम्परेरी राइट से रिलेटेड थी।
अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोगों से कहता है सेक्शन 8 किस टाइप की प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। सेक्शन 8 किस टाइप की प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा ये आपको बताना है। मूवेबल इमूवेबल बोथ ए एंड बी ओनली बी नॉट ए। हाँ जी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी पर सेक्शन 8 अप्लाई होने वाला है। जी निहारिका परमिंदर अंजलि निशा मोनिका जी बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग। ए वाला इसका सही आंसर होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन ए लाइबिलिटी ऑफ पर्सन नॉट एज ओनर इसके बारे में बात करता है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जी भाई देखो गरिमा जी को भी कह रही है कि अभी तक सिर्फ 9 लाइक्स हैं तो अभी जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए और मुझे बताइए क्या आप लोगों का ये मेथड समझ आ रहा है। और अगर समझ आ रहा है तो फिर से एक बार एग्री करके थम्स अप दीजिए कि यहाँ जहाँ आप लोगों को लर्न और टेस्ट की टेक्निक पर पूरा प्री का सिलेबस कवर कराया जा रहा है वो भी SRA का। दिशा जी कह रही है 22 है। थैंक यू दिशा निशा मीत भाई लर्न टेस्ट समझ आ गया आसान है मन से आना चाहिए सर आसान है। बोलिए इसी के साथ आगे के सेक्शंस भी कवर कर लिए जाए सेक्शन 9 10 भाई एक बार अब इससे रिलेटेड थोड़े से आगे के प्रोविजंस और कवर कर लेते हैं ताकि सारी चीजें और अच्छे से हम लोगों को समझ आ जाए। चलिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई सेक्शन 9 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सेक्शन 10 आप लोगों से क्या कहता है। पहली बात अभी तक हम लोगों ने बात करी वो किसके बारे में बात करी ये बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बातें लिखी थी वो सेक्शन 5 और 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखी थी। सेक्शन 7 और 8 ये बातें किसके बारे में लिखी थी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखी थी। अब उसके बाद आगे की कहानी ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है सारी कहानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी कि क्या हुआ है यानी कि दो लोगों में आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि नैन लड़े और नैन लड़ने के बाद उन्हें कागज पर लिख लिया गया और साइन करवा लिया गया। मगर उसके बाद भी क्या हुआ उसके बाद भी धोखा मिला कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ है ब्रीच हुआ है सर धोखा मिला है। तो इस धोखे के बदले आप क्या करना चाहते हो आप यहां इस धोखे के बदले आप यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करना चाहते हो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10 के पर्पस को समझने के लिए। भाई होता है ना बहुत बार वही इंसान चाहिए उसी से मिला हुआ है दिल वही चाहिए। तो यहां सेक्शन 10 में आइए और जानिए कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको मिलता है वही जो आप चाहते हैं वही जो आप चाहते हैं। तो सेक्शन 10 आप लोगों से इस रिगार्डिंग कहता है कि इस केस में अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना चाहता है स्पेसिफिकली तो बिल्कुल करवाना अलाउ है बिल्कुल करवाना अलाउ है। मगर कुछ चीजें तो हम भी नहीं करवा पाएंगे। कोर्ट कह रहा है कि सर हम आपको जो चाहते हो वही देंगे मगर इस केस में हम कुछ चीजें आपको नहीं दे पाएंगे जैसे कि सेक्शन 11 क्लॉज 2 में जो लिखा है वो सेक्शन 14 में जो लिखा है वो और जो सेक्शन 16 में लिखा है वो ये तीन चीजें हम आपको नहीं दे पाएंगे।
बाकी हम अपना दिल खोल के बैठे हैं, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और धोखे को हम अहमियत देंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश करेंगे, मगर हमारे पास आकर ये चीजें मत मांग। ठीक है, 11 क्लॉज 2 सेक्शन 14 और 16। बाकी हमारा मन बहुत बड़ा है क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, ये बात आपसे कहता है। जी मी, तो इस केस में हम सेक्शन 10 के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेक्शन 10 आपसे कहता है कि इस केस में यहां आपको रिलीफ दिया जाएगा। चलिए, मगर इससे रिलेटेड एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, यहां इस केस में कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एनफोर्सिएबल और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है अगर आप यहां क्लेम करने आना चाहते हो। एनफोर्सिएबल और कौन सा क्लेम होना चाहिए? एनफोर्सिबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्ट भी, आप भी धोखा कर रहे थे और सामने वाला भी धोखा कर रहा था, अब आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं तो आप कहते हो नहीं साहब वो ही चाहिए, तो बोलते हैं ऐसा नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि आप भी कहीं और थे वो भी कहीं और था, मगर आपको पता चला तो आप कहते हो नहीं नहीं सर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो अब तो वही चाहिए। तो कहते नहीं 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 ये गलत है, हम ऐसी चीजों को एनफोर्स कराएंगे जहां दोनों लोग आपस में बिल्कुल अच्छे से गुड फेथ में एक दूसरे को लॉ के द्वारा अबाइड करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम फर्जी चीजों के लिए नहीं बैठे। अगर आप ऐसी चीजें हमारे पास लेके आते हो तभी हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे, मगर इस केस में भी तब भी हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे अगर आपका केस फॉल होता है सेक्शन 11 क्लॉज 2 में, सेक्शन 14 में और सेक्शन 16 में। यानी कि इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम किया जा सकता है, ये बात आपसे सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 10 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम किया जा सकता है। अब इसके अलावा यहां हम लोगों ने अभी एक बात करी थी डिफेंडेंट की, यहां डिफेंडेंट की मदद के लिए सेक्शन 9 खड़ा हुआ है, प्लेंटिफ के लिए सेक्शन 10 है कि आओ हमसे मदद मांगो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहां डिफेंडेंट से भी कहते हैं तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी, अगर तुम सही हो तो तुम्हारी भी बात सुनी जाएगी। तो इस केस में यहां कहते हैं डिफेंडेंट के पास भी राइट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि जो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल थी वो सारी चीजें यहां डिफेंस के तौर पर डिफेंडेंट भी यूज कर पाएगा। तो सेक्शन 10 और सेक्शन 9 क्या कह रहा है, बोलिए क्या क्लियर हो चुका है? भाई हो सकता है ना उसे पता चल गया हो, बोले ये लड़का मेरे साथ धोखा कर रहा है, मैं भी अब इसके साथ वही करूंगी जो इसने मेरे साथ किया, मैं भी इसे खून के आंसू रुला दूंगी। तो इसलिए कोर्ट कहता है सिर्फ उसकी ही बात नहीं सुनी जाएगी, दूसरे पर्सन की भी बात सुनी जाएगी और उसे भी सेक्शन 9 के अंदर वो सारी चीजें दी जाएंगी जो राइट सेक्शन 10 में एक लड़के के पास अवेलेबल होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सेक्शन 10 एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड सेक्शन 11 के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल। यानी कि सेक्शन 11 के अंदर यहां आप क्या कर सकते हो, यहां आप ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो, ट्रस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है, ये बात सेक्शन 11 कहता है।
मगर किसी ट्रस्टी ने अपनी हद से बाहर जाकर अगर कभी काम किया है तो उस केस में यहां क्या नहीं होगा? यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको रिलेट कर देता हूं स्टोरी के फॉर्म में। भाई हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 में अगर किसी पर्सन के साथ धोखा हुआ है तो उस केस में वो सेक्शन 10 का सहारा लेके उसी पर्सन को एज इट इज पा सकता है, ये बात सेक्शन 10 कहता है। मगर सेक्शन 10 की भी कुछ लिमिट है। ये कहते हैं सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। ये कहते हैं बोले साहब वॉज दैट, चल न्यूक्लियर अटैक हुआ है शायद। हाँ जी, सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 11 क्लॉज 2 कहता है हम सारी मदद करेंगे मगर सेक्शन 11 क्लॉज 2 वाली मदद नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई पर्सन यहां क्या कर रहा है, कोई पर्सन अपनी हद से बाहर निकलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी हद से बाहर निकलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कोशिश कर रहा है तो आपकी मदद हम नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई पर्सन ऑलरेडी कैसे था, मैरिज में था, बट फिर भी वो दोबारा प्यार में पड़ गया। तो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं। हद से गुजर गए तुम, दूसरे की जिम्मेदारी थी तुम पर, तुम और एक जिम्मेदारी लेना चाहते हो, ना जी ना, ये तो अलाउ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लिखा है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। इस केस में हम इसे एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तुम किसी और की जिम्मेदारी हो, किसी और की जिम्मेदारी निभाते ना। नहीं, हम तो और कर सकते हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। नहीं सर, हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे इस केस में। जिसका दिल टूटा है टूटा रहने दो, धोखा मिला है तो धोखा ले लो, क्योंकि तुम्हें पता था कोई पर्सन धोखेबाज ही है। हनी, कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। भाई याद करने का तरीका है, ऐसे बता रहा हूं ताकि तुम चीजें भूलो नहीं। ये मत समझना कि कोई दिल टूटा पर्सन तुमसे ऐसी बातें कह रहा है, याद कराने का तरीका है। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे की, सेक्शन 12। भाई सेक्शन 12 क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हो, ये बात यहाँ सेक्शन 12 कहता है। भाई सेक्शन 12 तो सर बड़ा टफ सा लगता है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि सेक्शन 12 को कैसे याद कर लूं, बहुत मुश्किल नजर आता है सेक्शन 12। तो मैं बोलूंगा बहुत आसान है, एक ही पॉइंट में यहां सेक्शन 12, इतना बड़ा सेक्शन 1 मिनट में खत्म। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में अगर किसी पर्सन ने यहां 90% कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, 90% कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, बट ये वाला हिस्सा परफॉर्म नहीं कर पाया, नॉट परफॉर्म, ये वाला हिस्सा परफॉर्म नहीं कर पाया, ये कितना है 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में सेक्शन 12 क्लॉज 2 कहता है, सेक्शन 12 क्लॉज 2 ये कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ग्रांटेड।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ग्रांटेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी पार्टी इसे क्लेम कर सकती है, ईदर पार्टी कैन क्लेम, ईदर पार्टी कैन क्लेम। दूसरा पॉइंट, ये कहते हैं सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में यहां ये 100% है, यहां 90% नॉट परफॉर्म है, 90% नॉट परफॉर्म, यहां सिर्फ 10% परफॉर्म किया गया है, 10% परफॉर्म किया गया। सेक्शन 12 क्लॉज 3 कहता है डिफॉल्टिंग पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती, डिफॉल्टिंग पार्टी कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डिफॉल्टिंग पार्टी इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती, ये सेक्शन 12 क्लॉज 3 आप लोगों से बोल रहा है। इसके अलावा सेक्शन 12 क्लॉज 1 आपको एक जनरल रूल बताता है, जनरल रूल। जनरल रूल कहता है सर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ नहीं करेगी, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट अलाउ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट अलाउ। मगर सेक्शन 12 क्लॉज 2 और 12 क्लॉज 3 इस जनरल रूल का एक्सेप्शन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। सेक्शन 12 खत्म हो चुका, कुछ नहीं बचा सेक्शन 12 में। सर इतना बड़ा सेक्शन है, बस यही बातें लिखी हैं और खेल खत्म हो जाता है। और खेल खत्म। चलिए अब इसके बाद इससे रिलेटेड आगे वाले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। भाई सेक्शन 13 आपसे क्या कहता है? भाई सेक्शन 13 कहता है राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और परफेक्ट टाइटल। भाई यहां क्या हुआ है, यहां इस केस में ये एक पर्सन है, बेचारा सा छोटा सा। इस केस में ये एक पर्सन है, ये पर्सन है सेलर और ये पर्सन है परचेजर, ये सेलर और ये परचेजर। मगर इस केस में ये जो परचेजर है, ठीक है, इसके राइट के बारे में बताया जाता है, किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट, जिसके पास कोई टाइटल नहीं है या फिर जिसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है, इम्परफेक्ट टाइटल है। देखो इस पॉइंट को भी मैं आप लोगों को ना एक बॉलीवुड के गाने से बताना चाहूं, इस बॉलीवुड के गाने से। आप खुद कहोगे कि सर इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल सही गाना गाया। बताओ, कहो तो आप लोगों को एक गाने के थ्रू ये सेक्शन बताऊं, आप लोग खुद कह दोगे हाँ सर यही लिखना चाहिए लेजिस्लेचर को, और कोई तरीका कुछ और लिखने का है ही नहीं। जी भाई एक बॉलीवुड का सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? जी बिल्कुल भाई सभी लोग एग्री कर रहे हैं, एक बॉलीवुड का सॉन्ग है, बता देता हूँ वो कौन सा गाना है। गाना है ऐसे कुछ करके, बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो, देने में आई दिल मेरा ले लो। मगर ये जो बेबो है ना, इसके पास इसका दिल है ही नहीं, या तो ये दिल किसी और को दे चुकी है या फिर इसके पास दिल ही नहीं है, और कोई सामने वाला दिल लेने के लिए तैयार हो चुका है। तो उस केस में जो आदमी दिल लेने के लिए तैयार हो चुका है, उसके पास बेबो के अगेंस्ट क्या राइट होने चाहिए? यही सेक्शन 13 है और कुछ नहीं लिखा। सेक्शन 13 सिंपल बिल्कुल। कैसे सर? अगर बेबो के पास दोबारा से गुड फेथ में दिल आ जाता है तो सर उसे दे दो,
वो तो बेचारा वैसे ही तैयार पड़ा है। अगर वो वैसे ही तैयार है, बेबो को मनाओ कि सर देखो ये गलत है, बेबो तुम दिल की पक्की हो चुकी हो, तुम्हारा दिल मजबूत है, वो जो पर्सन है सामने वाला जिसके सामने तुमने गाना गाया वो तो फ्लैट हो चुका है, तो मनाओ कि बेबो अगर किसी और के पास दिल है तो वापस लेकर आओ और इस पर्सन को दे दो। देखो यही बातें कह रखी है और कुछ नहीं कहते। देखो तुम विश्वास करो, ऐसे ही लिखा है, अगर वेंडर और लेसर यानी कि बेबो अगर सब्सिक्वेंटली एक्वायर कर लेती है एनी इंटरेस्ट तो परचेजर और लेसी कंपेल कर सकता है, अब तो दे दो तुमने गाना गाया था, अब तो दे दो तुमने गाना गाया था। दूसरा पॉइंट, अगर सर कोई कंकरेंस लेना है, भाई किसी से रजामंदी लेनी है, पिताजी को मनाना है, किसी को और को मनाना है तो मना लो, मगर ये आदमी के सामने जो गाना गाया था उससे तो मना लो। तो लिखा है कंकरेंस, कंकरेंस अगर किसी और के पास गिरवी है तो छुड़ा लो, मगर इसके सामने गाना गाया है तो इसे तो दिल देना पड़ेगा। यही बातें कह रखी है एनकम्बर्ड। बताओ क्या सेक्शन 13 क्लियर है या नहीं है, बताओ मुझे बताओ। भाई रीजनेबल लॉजिकल लग रहा है, सेक्शन याद हो जाएंगे कहाँ क्या लिखा होगा। लोग कहते हैं सर एसआरए बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है बॉलीवुड मूवीज लिख दी, दिल की बात लिखी है, दिल की बात अगर समझोगे तो, वरना बहुत मुश्किल है। क्या कह दिया सेक्शन 13, इम्परफेक्ट टाइटल, परफेक्ट टाइटल, वेंडर लेसर। चलिए अब इसी के साथ हमारी जो क्लास है वो है लर्न एंड टेस्ट की, तो आज इस पॉइंट पर कुछ और चीजें टेस्ट कर लेते, क्या हमें यहां ये सेक्शंस के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। लर्न एंड टेस्ट, लर्न एंड टेस्ट, तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या फिर नहीं है। बोलो भाई कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। भाई कौन सा सेक्शन एसआरए का डील करता है जहां कहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होना चाहिए, बताओ जी कौन सा सेक्शन है। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही। कहाँ जाएगा, सेक्शन नंबर 10 में जाएगा, सेक्शन नंबर 10 में, एक बार देख लीजिए, सी वाला सही आंसर है। सेक्शन 10 कहता है इस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर दे सकता है, मगर कब नहीं दे सकता, सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 और 16। सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 और 16 सी वाला ही सही आंसर होगा। भाई कौन मुझे बताएगा सेक्शन 13 किससे डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या फिर दोनों से, या फिर दोनों में से किसी से नहीं, बताओ जी कौन मुझे बताएगा कि सेक्शन 13 किससे डील करता है। सर ये तो आपने गाने में खो गए थे, आपके पता ही नहीं चला। हाँ जी
ऐसा मत कहना शाइना, तुम ऐसा कुछ कह रही थी, हम तो गाने में खो गए सर, हमें तो पता ही नहीं चला, क्या बात हो गई थी। गाना याद करने के लिए है, भूलने के लिए नहीं। अरे भैया गलती नहीं करनी है, सी वाले में दे रखा है, क्योंकि क्लॉज ए सेक्शन 13 का इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और सेक्शन 13 क्लॉज 2 ये मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। एक बार देखो सेक्शन 13 का क्लॉज 1 क्लॉज 2, क्लॉज 1 क्लॉज 2, ये ए और बी नहीं है, क्लॉज 1 क्लॉज 2 है। तो सी वाला सही आंसर होगा, सेक्शन 13 क्लॉज 2 मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। बोलिए जी बोलिए, बातें समझ आ रही हैं। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन करके बताइए भाई। ये कहते हैं इफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, ये बात कहां और कौन से सेक्शन में लिखी है? इफ अ ट्रस्टी मेड बाय अ इफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, ये कौन से सेक्शन में लिखी है? भाई सभी लोगों को आंसर देना है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोग, सेक्शन 11 क्लॉज 2 में ये बात लिखी हुई है। देख लीजिए भाई सी वाला इसका सही आंसर है, सेक्शन 11 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ इस पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, अपने दायरे से जाकर वादे करोगे तो कैसे निभाओगे, बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल जुडिशरी की तैयारी की तरह है, मतलब सर अगर दिल में ठान लिया है कि जुडिशरी करनी है तो उसके लिए मेहनत करना सीख लो, मेहनत नहीं करोगे तो वो वादा तुम्हारी हद से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपने मन में अपने आप से वादा रखो और अपनी मेहनत को इतना बढ़ा दो कि वो वादा तुम्हारी हद में रहे, तो सारी चीजें तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई कोर्ट भी तो यही काम करता है ना, अगर आप दिल से किसी चीज को चाहो और वादा करो तो कोर्ट आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। इसी केस में भी ऐसा ही हो रहा है, तो जुडिशरी को अपने मन में बसा लो और अपने आप से वादा करो और उसके लिए इतनी मेहनत करो कि वो वादा तुम्हारी हद में हमेशा रहे और तुम लोग जुडिशरी क्वालिफाई करो। तरीका मुझसे ले लो, बहुत तरीके, सेक्शंस याद करने के तरीके, सेक्शंस को मेमोराइज करने के तरीके, मगर मेहनत करो, उसे रिवाइज करो, याद करो। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सेक्शन 13 तक पढ़ाया है, एक बार बेरेक्ट उठाओ यहां से, सेक्शंस को पढ़ने की कोशिश करो और फिर उसके बाद एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू यहां चीजों को याद कर लो कि क्या मैंने जो तैयारी करी है, जो सेक्शन पढ़े हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। जरूरी है ये चीजें बहुत, अगर ये चीजें नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। प्री के लिए डायरेक्ट पढ़ा होना जरूरी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर अपनी तैयारी चेक जरूर होनी चाहिए। तो यही एक अपॉर्चुनिटी आपको अनअकैडमी भी दे रहा है UGST के फॉर्म में, जहां आप 13 नवंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जहां आप लोगों को अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट 100% कोचिंग दी जाएगी।
तो भाई इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, 13 नवंबर को सुबह 11 बजे टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे यहां अभी पूछ सकते हो भाई। किसी को कोई सवाल किसी भी सेक्शन के पॉइंट पर कुछ जानना है, सर कैसे पढ़ना है, जुडिशरी के लिए क्या सही तरीका होगा पढ़ने का, बोलिए। क्या सही तरीका है, कैसे पढ़ा जाए? भाई गाइस क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे ही टीपीए भी पढ़ा दूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बताइए ऐसे ही पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, कैसा रहेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी अगर हम ऐसे ही कवर कर लें। क्योंकि देखिए मेरे पास भी सैटरडे और संडे ये 2 दिन ऐसे हैं जहां हम चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, और अगर कुछ नई चीजें सीखनी है तो उसे प्री के हिसाब से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ग्रुप पर अपडेटेड रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को भी आज ही प्लान कर लिया जाए और एक बार टीपीए भी शुरू कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों पोर्शन को कवर कर लेंगे। जी दीशा, एसआरए की क्लास कल आगे कर लेंगे। जी गरिमा पूछ रही है, सर एक दिन में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? भाई गरिमा, अगर आप कोचिंग में अभी पढ़ रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट, अगर कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट आप लोगों के पास हैं, तो भी आप 2 या 3 सब्जेक्ट से ज्यादा मत उठाइए। ठीक है, एक मेजर लॉ, एक माइनर लॉ, या फिर 2 मेजर लॉ भी उठा सकते हैं। अगर माइनर लॉ उठा रहे हैं तो 2 माइनर लॉ, 1 मेजर लॉ उठा सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़िए। सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप पढ़ कैसे रहे, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे और आपकी प्लानिंग क्या है। एक बार इस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बात कर लूंगा कि एक्चुअल में सही प्लानिंग टाइम टेबल क्या है। जो जॉब वाले लोग हैं उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, जो सिर्फ लोग काम कर रहे हैं उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, इस चीजों के बारे में एक बार बात कर लेंगे, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएं कि क्या मैं जुडिशरी की तैयारी में सही तरीके से पढ़ रहा हूं। मगर मैं आप लोगों से ना एक चीज बोलूंगा जो कि एक ट्रू एस्पिरेंट की पहचान है। बिल्कुल ट्रू एस्पिरेंट वही मेरी नजर में है। अगर आपके मन में ये चीजें हैं, वो ये है कि सर कोचिंग में क्लास होगी या नहीं होगी, मैं जिस टाइम पर अपने टाइम है मेरा पढ़ने का, मैं उस टाइम पर पढ़ूंगा। सर मेरी जिंदगी में जिस टाइम पर मेरी प्रिपरेशन चल रही है, इस 1 साल मैं ना जिंदगी में त्योहार मनाऊंगा, मैं ना जिंदगी में शादी में जाऊंगा, ना मैं यहां कोई बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ना अपना ना किसी और। तो इसलिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप ट्रू एस्पिरेंट बने और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से प्लान करें, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो मुश्किल होगा। एक और सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन, एक और सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन मैं आप लोगों से बोलूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंस्टाग्राम जैसे चीजें मत यूज कीजिए, सोशल मीडिया कोई भी यूज मत कीजिए। एक चीज और आती है सर, यूट्यूब पे आप क्लास दे रहे हो तो यूट्यूब पे क्लासेस जो है हम देख लेते हैं सर, तो वो यूट्यूब हम कैसे डिलीट कर दें या यूट्यूब को कैसे बंद कर दें? मैं बोलूंगा इसका भी एक बेहतर तरीका है जिससे आपके मन में ना आपकी अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स हो जाएगी। वो ये है कि आप ना जब यूट्यूब पर देखते हैं क्लासेस देखिए, मगर शाम को ना एक बार सोने से पहले आप ना YouTube की हिस्ट्री में जाइए, और हिस्ट्री में जाने के बाद ना उन चीजों को डिलीट कीजिए जो आपने अपनी तैयारी से अलग देखी है। आपको समझ आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ में अपना टाइम किस डायरेक्शन में स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि जब डिलीट कर रहे होगे तो पता होगा, हाँ ये भी देख लिया था, हाँ ये भी देख लिया था, ये नहीं देखना चाहिए था, ये नहीं देखना चाहिए था। तो इस तरीके से ना एक मन में अपने आप एक अकाउंटेबिलिटी उससे रिलेटेड आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद